इसको हमने अच्छे से भूनना है, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि मसाला लगे ना। जब टमाटर अच्छे से पिस जाएंगे फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं नाप के नहीं डालती, मैं अंदाजन डालती हूँ। तो आपने ये ना तकरीबकारी नहीं करनी, आपने हमेशा नाप के डालना है। जितने चावल हैं उससे थोड़ा पानी कम ही डालना है, ठीक है जी। देखिए, मैंने अभी तक इसमें मटर शामिल नहीं किया। मैं बताती हूँ मैं मटर कब शामिल करती हूँ। ये मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिसाब से इसमें डाल रही हूँ पानी, ये इतना। जी हाँ, सही है जी। अब इसमें जब बॉयल आएगा ना, मैं मटर शामिल करूँगी तब। ये देखें, ये जो कलर निकला है ना, इसी से आएगा आपके चावलों में कलर। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही हैं, मेरी बहन की हैं, इसे इग्नोर करें। वो बेचारी अपनी ऑफिस मीटिंग्स में लगी हुई है, तो बस आपको ये सुनने को मिलेंगी आवाज़ें जी। जनाब, ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। और हमेशा ना याद रखिएगा, इस स्टेज पे ना आप नमक भी चखना है अपने इस मिक्सचर का, क्योंकि ना कम है तो इधर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलें जी, बॉयल तो आ रहा है, अभी हम इसमें मटर डालेंगे। अच्छा, मटर की एक और टिप है, वो ये कि सर्दियों में जो मीठा मटर आता है ना, ये मैंने धोए हुए थे इसलिए जम गए हैं। तो जो मीठा मटर आता है ना, उसका पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। एक फीका मटर होता है और एक मीठा मटर होता है, तो आप आजमाइएगा हमेशा मीठा मटर का ना, मटर पुलाव बेहतरीन बनेगा। सही है, बॉयल आने तक इसको थोड़ा पकाते हैं, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। जनाब, हाथ एक से डल नहीं सकते थे चावल, इसलिए बॉयल जैसे ही आया मैंने चावल डाल दिए। अच्छा, एक बात आपको मैं बताऊं, ये जो मटरों का कलर अभी है ना, अभी डालेंगे ना तो ये पकने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। गल तो जाएंगे लेकिन कलर ना इनका ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों के मटर पुलाव का कलर बहुत डल होता है, तो ये डल नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छा कलर आएगा। तो इसको हम जब तक ये दम नहीं लगता, इसको हम तब तक पकाते हैं अच्छे से। और ये मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, दम में जाने से पहले, ताकि हरी मिर्चों का एक अच्छा सा अरोमा इसके अंदर घुल मिल जाए। और ये हमने अपने फ्रीज़ किए हुए कबाब निकाले हैं। हमेशा याद रखेंगे कबाबों को ना फ्रीज़ किए हुए ठंडे ऑयल में हमने डाल के रखना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर हमारा ये पुलाव हो रहा है, थोड़ा सा बाकी है टाइम। इसमें देखें, मैं अब डालूँगी ये हरी मिर्चियाँ, और इनकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि सोच है आपकी। आप कलर देख रहे हैं, कलर आए है, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसको अच्छे से हमने करना है, फिर हम इसे दम लगा देंगे, ठीक है जी।